टीवीएस ने बहुत रिसर्च करने के बाद, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये बाइक लेने के बाद अगर 3-4 साल, क्योंकि टीवीएस रॉनिन एक 225 सीसी का बाइक है। हु शुड अवॉइड टीवीएस रॉनिन? अनदर क्लाउडी डे। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं टीवीएस रॉनिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। इसके साथ भी मैं बहुत जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ मेरा टीवीएस रॉनिन पे। चलो ज़्यादा बात नहीं करके अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टीवीएस रॉनिन की कुछ डिसएडवांटेजेस, जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि आपको टीवीएस रॉनिन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर मैं टीवीएस रॉनिन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और सोलो ट्रैवल वीडियो विथ मोटो ब्लॉगिंग विथ टीवीएस रॉनिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टीवीएस ने बहुत रिसर्च करने के बाद ये रॉनिन इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, और आप अगर इसका कंफर्टेबिलिटी देखोगे सीटी राइड में ये एक बहुत ही अच्छा मोटरसाइकिल है, जो सीटी राइड में अच्छा माइलेज के साथ आपको अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि ये बाइक लेने के बाद अगर 3-4 साल आप ये बाइक लेके टूरिंग से लेके सब कुछ कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि टीवीएस रॉनिन एक 225 सीसी का बाइक है एंड समय दे आदर आप जब एक्सप्रेस वे में या तो फिर जब हाईवे में राइड करोगे आपको थोड़ी बहुत पावर की कमी आपको महसूस होगी। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2। ये एक बहुत ही लाइट वेट गाड़ी है, और लाइट वेट होने की वजह से आप जब हाईवे में या तो फिर एक्सप्रेस वे में ना राइड करते हो नियर अबाउट 100 के आसपास स्पीड में, और बाजू में से कोई ट्रक गुजरते ये बाइक हिल जाता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी माइनस पॉइंट ऑफ दिस बाइक, क्योंकि ये सिटी राइड में बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे सिटी रोड पे, लेकिन एक्सप्रेस वे में जब चलाओगे लाइट वेट होने की वजह से ये गाड़ी आपका हिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये गाड़ी ना मैंने बस एक ही साल हुआ है 30th of November को, और अभी से देखो रस्टिंग इश्यूज आ रहा है जो कि आना नहीं चाहिए था। तो इसके लिए ना आपको स्पेशल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज इसका सीटिंग कैपेसिटी। अगर इसका सीट देखो ये बहुत ही छोटा है, और आजकल अगर आप टूरिंग के लिए सोच रहे हो, ऑब्वियसली मैंने मैक्सिमम वीडियोस में देखा है वो मतलब अपना वाइफ के साथ या तो फिर गर्लफ्रेंड के साथ या तो फिर दोस्तों के साथ राइड करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप सोलो राइडर हो देन इट्स ओके। अगर आप किसी को लेके पिलियन लेके साथ में राइड करने वाले हो देन दिस बाइक वुड नॉट बी गुड फिट फॉर यू, बिकॉज इसका सीट देखो बहुत ही छोटा है, और राइडर बैठने के बाद पिलियन के लिए बहुत ही कम जगह बचता है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस राइड करने के लिए एक डिसकम्फर्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इसका इंजन रिलेटेड एक छोटा सा इश्यूज़ है, जो मैंने अपना ओनरशिप रिव्यू वीडियो में भी शेयर किया था कि ये एक स्क्वायर इंजन है, नाइदर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन नाइदर शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। तो अगर आप ना सिटी में बहुत हाई आरपीएम में ये बाइक को चलाते हो, कुछ टाइम बाद ये इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट बंद कर देता है, जो मैंने भी फेस किया है। जब सिग्नल पे मैं रुका बहुत टाइम राइड करने के बाद तो ये स्टार्ट नहीं होता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर 5-10 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, इंजन थोड़ा ठंडा होगा और उसके बाद फिर से ये स्टार्ट होके नॉर्मल चलने लगेगी। तो ये एक माइनस पॉइंट है इस बाइक का। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इसका हेडलाइट। हेडलाइट का जो DRL है बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन इसका जो लो बीम है बहुत ही बेकार है। सिटी में चलो हर जगह लाइट रहता है दैट इज़ ओके, तो मैनेज हो जाता है, लेकिन आप हाईवे एक्सप्रेस वे में जब राइड करते हो इसका लो बीम डेफिनेटली इनफ नहीं है, तो इसके लिए आपको अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट दैट आई हैव फॉर यू इसका बैक का फिनिशिंग। अब अगर आप बैक का देखो, जब गाड़ी चलती है ना बरसात में जो पानी वानी से, तो इसमें हैगर तो है नहीं, और ये बहुत छोटा होने की वजह से पूरा पानी से लेके मड पूरा जो पीछे बैठेगा तो उसका पूरा एकदम पीछे भर्ती हो जाएगा, तो ये एक माइनस पॉइंट है। इसके लिए एक एडिशनल कॉस्ट आपको करना पड़ेगा, इसका पीछे हैगर लगाना पड़ेगा ताकि ये जब पानी वगैरह छोड़ेगा मड वगैरह छोड़ेगा ताकि वो उछल के पिलियन के पीछे ना लगे या तो फिर राइडर के पीछे ना लगे।
ये जितना भी सारा एक्सपीरियंस है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक साल से मैं राइड कर रहा हूँ, बहुत सारा लंबी लंबी छोटी बहुत सारा राइड मैंने किया है और ये सारा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो को अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना अगर आप इससे अलावा और कुछ प्रॉब्लम फेस किए हो। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज की वीडियो? और तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको कुछ जानना है वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो आप। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट करना। तो चलो मिलते हैं कोई नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी हेल्दी और मिलते हैं बहुत ही जल्दी कोई नए वीडियो में।